अलीबाबा। इस किताब की थीम है कि हाउ अलीबाबा एंड इट्स क्रिएटर हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे दैट चाइनीज एक्सरसाइज देयर न्यू फाउंड इकोनॉमिक फ्रीडम। दोस्तों यह बुक जैक मा और उसके ऑनलाइन बिजनेस अलीबाबा की वर्ल्ड वाइड रिटेल सुप्रीमेसी को समझाती है और ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी को तब देखा जब हर कोई ईमेल को समझने की कोशिश कर रहा था। यह बुक बताती है कि कैसे एक के बाद एक प्रॉब्लम को फेस करते हुए जैक मा ने दूसरों की तुलना में बेहतर होने की अपनी डिजायर को कभी नहीं खोने दिया। इस किताब के ऑथर हैं डंकन क्लार्क जो चीन में इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। उनके पास बैंकिंग का 20 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो आइए दोस्तों अलीबाबा किताब की इंग्लिश समरी को सुनते हैं। चाइनीज ई कॉमर्स की क्रांतिकारी बदलाव करने वाले व्यक्ति से मिले। आज चीन न केवल ऐसा देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है बल्कि यह सबसे तेजी से डेवलप हो रही सिटीज का घर भी है जहां हाई स्पीड इंटरनेट और सब जगह फैले वाईफाई के साथ और भी बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। लेकिन कुछ दशकों पहले यहां चीजें बहुत अलग दिखती थी और यह तब हुआ जब जैक मा ने अपने रिमार्केबल इनोवेटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में एंट्री ली और उन्होंने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक अलीबाबा की स्थापना की। इस बुक की समरी में आप चीन की कंज्यूमरिस्ट ट्रेंड की कहानी सीखेंगे। इसमें आपको जैक की मामूली इंग्लिश टीचर से लेकर चाइना के कंज्यूमरिस्ट मार्केट के राजा बनने की जर्नी के बारे में भी पता चलेगा और आप जान पाएंगे कि उसका ई कॉमर्स एम्पायर इतना सक्सेसफुल कैसे रहा। ऑनलाइन शॉपिंग के राइज के साथ चीन की कंज्यूमर हैबिट्स बदल रही है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। चीन के बारे में विवादित विचारों का उठना असामान्य नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में बेचे जाने वाले कई प्रोडक्ट्स में से एक लेबल है जिस पर मेड इन चाइना लिखा होता है, लेकिन कई लोग इस देश को एक रिटेल मैन्युफैक्चरिंग के लीडर के रूप में पहचानते हैं, लेकिन चीन को एक पावरफुल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से भी जाना जाता है। फिर भी चीन में एक नया ट्रेंड उभर रहा है क्योंकि इसकी इकोनॉमी तेजी से कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रही है। ट्रेडिशनली चीन के लोग बहुत ज्यादा कंज्यूमर माइंडेड नहीं है। आज भी हाउसहोल्ड स्पेंडिंग चीन की इकोनॉमी का केवल एक तिहाई हिस्सा है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स में कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमी का 2/3 हिस्सा है, लेकिन चीन में समय बदल रहा है और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देश का हर 11 नवंबर को होने वाला नेशनल हॉलिडे एक एग्जाम्पल है। इस दिन चीन में सिंगल लोग जश्न मनाते हैं और एक तरीके से वैलेंटाइंस डे का ट्विस्ट है और यह चाइनीज रिटेलर्स के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट डे बन गया है। 2009 में केवल 27 दुकानें सिंगल्स डे रिलेटेड सेल्स ऑफर्स कर रही थी, लेकिन केवल 6 साल के बाद 2015 में 40,000 रिटेलर्स और 30,000 ब्रांड इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए थे। इन पार्टिसिपेटिंग रिटेलर्स में से एक अलीबाबा नाम की एक चीनी कंपनी थी जो ऑनलाइन कॉमर्स में माहिर है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 2015 में सिंगल्स डे के पहले 10 मिनट के दौरान अलीबाबा के माध्यम से 1 बिलियन परचेस्ड की गई थी। अलीबाबा ऑनलाइन कॉमर्स के सबसे आगे रहा है जिसने चीन में जबरदस्त ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है क्योंकि देश कंज्यूमरिज्म को गले लगा रहा है। लेकिन कुछ लोग थे जो भविष्यवाणी कर सकते थे कि अलीबाबा कितना सफल होगा। अलीबाबा का यूनाइटेड स्टेट में स्टेटस पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न के साथ कंपेयर किया जाता था। द एवरीथिंग स्टोर के रूप में अमेज़न की रेपुटेशन की तरह चाइनीज कस्टमर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अलीबाबा की कई पॉपुलर सब्सिडरी साइट्स में से एक Taobao.com पर कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन चीन की इकोनॉमी पर अलीबाबा के कारण हुआ असर यूनाइटेड स्टेट्स में अमेज़न के द्वारा हुए असर से बहुत अधिक है। वास्तव में 2016 तक अमेज़न यूनाइटेड स्टेट्स का 12वां सबसे पॉपुलर रिटेलर है जबकि अलीबाबा चीन का नंबर 1 सबसे पॉपुलर रिटेलर है। अलीबाबा इस तरीके का एक कमर्शियल जाइंट बन गया है। जब यह 2014 में पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गया तो उसने तभी सबसे बड़ी ग्लोबल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ को जनरेट किया था। अलीबाबा की सफलता का सीक्रेट फ्री बेसिक सर्विसेज और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अलीबाबा ने बहुत तेजी से चीन के रिटेल मार्केट में एंट्री ली है, लेकिन आप शायद सोच रहे हैं कि किसी भी दूसरे ऑनलाइन रिटेलर्स को इसमें अलग क्या दिखा। अलीबाबा ने कंपनी की साइट्स का उपयोग करने वाले मर्चेंट्स को
फ्री बेसिक सर्विस प्रोवाइड प्रदान करने के एक ग्रेट कॉम्पिटेटिव बेनिफिट्स हासिल किए। एसेंशियली यह अलीबाबा की वेबसाइट ताओबाओ को अपने ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के रूप में उपयोग करने के लिए एक छोटे से बिजनेस या मर्चेंट के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वास्तव में 9 मिलियन से अधिक बिजनेस बस यही कर रहे हैं। बल्कि यदि मर्चेंट्स अगर अपने प्रोडक्ट को साइट पर मेजर रूप से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वह स्पॉटलाइट ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए एडवर्टाइजिंग फी का भुगतान कर सकते हैं। अलीबाबा बेसिकली ऐसे ही पैसा कमाती है और सिस्टम थोड़ा सा गूगल के एडवर्ड की तरह काम करता है। दिन के अंत में मर्चेंट्स को एक कॉस्ट का पेमेंट करना होता है जो उनके एड्स को मिलने वाले क्लिक्स के नंबर और उनके प्रोडक्ट पेज पर कितनी बार देखी गई थी इस पे डिपेंड करता है। तो एक छोटे से एडवर्टाइजिंग बजट के साथ एक छोटे से बिजनेस के लिए यह काफी कॉस्ट एफिशिएंट है। लेकिन अलीबाबा सिर्फ इन सब के लिए नहीं जाना जाता है, वह ग्रेट कस्टमर सर्विस के लिए भी जाना जाता है। इस साइट को ज़ियोर नाम एक ग्रुप द्वारा मैनेज किया जाता है जिसका अर्थ है सर्वेंट्स। यह लोग क्या करते हैं, जो कस्टमर और वेंडर्स के बीच जनरेट होने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं। वह रूटीन मॉनिटरिंग भी करते हैं और किसी भी वेंडर की प्रोफाइल को हटा सकते हैं जो वेबसाइट के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है। ताओबाओ की लोकप्रियता इसके हाईली इंटरैक्टिव शॉपिंग एक्सपीरियंस के कारण भी है। साइट में एक एडवांस चैट फीचर है जो कस्टमर्स और वेंडर्स को अपने वेबकैम का उपयोग करने और किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पर रियल टाइम में इनपुट देने के लिए परमिशन देता है। ताओबाओ पर कॉम्पिटिशन वास्तव में भयंकर है, इसलिए मर्चेंट्स को फ्री सैंपल देकर सेल्स को बढ़ाना पड़ता है या शायद वो जो भी पैकेज बेचते हैं उनमें एक फ्री खिलौना भी शामिल होता है। ये एक प्रैक्टिस है जिसको अमेज़न अनदेखा कर देती है। जैक मा अपने एम्प्लॉइज की केयर करते हुए कस्टमर फर्स्ट बिजनेस फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक कंपनी के पास ग्रेट कस्टमर सर्विस किसी गलती के कारण नहीं होती है दोस्तों। अलीबाबा के मामले में इसके फाउंडर जैक मा ने यह इंश्योर किया था कि हर कस्टमर का एक्सपीरियंस शानदार हो। इस पर्पस के लिए यह इंश्योर किया गया था कि हर अलीबाबा एम्प्लॉय दिल से कंपनी के इस मंत्र को जानता हो कि कस्टमर फर्स्ट, एम्प्लॉय सेकंड एंड शेयर होल्डर्स थर्ड। जैक मा ने अलीबाबा के छोटे कस्टमर्स को श्रिम्स कहा था, लेकिन यह अपमानजनक वर्ड नहीं है। जैक अपने स्मॉल कस्टमर से प्यार करते हैं और वो उन्हें अपनी तरफ से काम करने के लिए वो एक्सपोजर देने के लिए डिटरमाइन है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि वह हमेशा यह इंश्योर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि अलीबाबा अपनी बेसिक फ्री सर्विस को खो ना दे। अपने कस्टमर्स के लिए यह प्यार रखना कुछ हद तक उस रिश्ते को इफेक्ट करता है जो जैक का अपने शेयर होल्डर्स के साथ है, जो अक्सर उन्हें अपने प्रॉफिट के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करने का प्रेशर डालते हैं। यहां तक कि जब 2009 में अलीबाबा की शेयर प्राइसेस डूब रही थी तब भी उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इससे उनके कस्टमर्स और स्मॉल बिजनेसेस पर गलत असर पड़ सकता था। जैक मा ने एम्प्लॉयज के साथ भी मजबूत कमिटमेंट किया और उनकी लीडरशिप स्टाइल मोटिवेशन और लॉयल्टी बनाए रखने पर फोकस होती है। इसके कारण कई अलीबाबा एम्प्लॉयज कई सालों से वहां काम कर रहे हैं और कहीं और जाने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अलीबाबा के एम्प्लॉयज को अपने खुद के कैंपस में रहने के भी लाभ मिलते हैं। इस कैंपस को जैक अपने एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छे गिफ्ट की तरह देखते हैं। 2.6 मिलियन वर्ग फुट में बनी इस जगह में एक्सरसाइज रूम्स, कॉफी शॉप्स, ऑर्गेनिक फूड स्टॉल्स और एक विशाल मैनमेड लेक है और आसपास घूमने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल भी दी जाती है। एम्प्लॉयज के पास हर कारण है कि उनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जा रही है। कैंपस एम्प्लॉयज के पैसों से नहीं बना है। अगर किसी एम्प्लॉय को नई कार या घर के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वह $50,000 तक का इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। इसके बदले में जैक मा एम्प्लॉय से कमिटेड और लॉयल रहने की उम्मीद करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज की जो अलीबाबा को लगातार सफलता दिलाने के लिए लंबे समय तक साथ रह सके। चीन में जैक मा एक इंटरनेट पायनियर है जिसने कई चुनौतियों का सामना किया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जैक मा अपने बिजनेस में पैदा नहीं हुए थे, वास्तव में उन्होंने एक इंग्लिश टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। एक दिन अपने ऑफिस में जैक ने एक कलीग को देखा जो दशकों से पढ़ रहा था। वह पुरानी साइकिल पर सस्ती सब्जियों से भरी टोकरी लेकर जा रहा था, वह इतना ही खर्च कर सकता था। जैक ने तब महसूस किया कि यदि वह अपने बुजुर्ग कलीग से खुद के लिए एक अलग फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक इनोवेटिव प्लान सोचना होगा और अपने लिए बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करनी होगी। इंटरनेट की रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी की तलाश करने से
बहुत पहले जैक मा ने 1995 में अपनी पहली कंपनी हैंगजू हाइबो नेटवर्क कंसल्टिंग को शुरू किया और यह चीन के सबसे पहली इंटरनेट बिजनेसेस में से एक था। जैक की कंपनी ने होम पेज और सरल वेबसाइट्स बनाई जो उन अन्य चीनी बिजनेस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को लिस्ट करती थी जो वेब प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस करने वाले किसी भी कस्टमर के पास कस्टमर बनने का पोटेंशियल था। इसलिए जैक चाइनीज बिजनेस की विजिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ाना चाहते थे, तो अपने बिजनेस पार्टनर ही यी बिंग के साथ जैक ने यूएस इंटरनेट डोमेन chinapages.com खरीदा। फिर भी अपने समय से पहले लिए गए इस डिसीजन की कुछ कमियां थी, और चूंकि चीन के बहुत कम लोग 90 के डेकेड्स के बीच में इंटरनेट को यूज करते थे, इसलिए ऑनलाइन प्रेजेंस में इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेसेस को मनाना मुश्किल था। लेकिन जैक कुछ दोस्तों को अपनी सर्विसेज को यूज कराने में सक्षम रहे और यहां तक कि उन्हें कुछ अर्ली सक्सेसेस भी मिली। उन्होंने हैंगजू में लोकेटेड लेक व्यू नाम के एक होटल की वेबसाइट बनाई। इसके बाद इस होटल में अमेरिकी यात्री बड़े नंबर से आने लगे, क्योंकि एकमात्र चीनी होटल था जो वे ऑनलाइन ढूंढ सकते थे जो अक्सर काम करते थे। फिर भी वहां और अधिक चैलेंजेस थे, जैसे कि अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्शंस जो अक्सर काम नहीं करते थे। कनेक्शन इतने खराब थे कि जैक को कभी कभी अपनी वेबसाइट के प्रिंट आउट ही अपने क्लाइंट को दिखाने पड़ते थे, और कुछ लोगों ने इसे इस सिग्नल के रूप में लेते थे कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि तब वेब सर्विस की कॉस्ट $2,400 थी, तो यह समझा जा सकता था कि कस्टमर कितने परेशान होते होंगे। जैक को इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। जैक मा को सैन फ्रांसिस्को में अपने बिजनेस के लिए सही नाम मिला और उनका विजन शुरुआत से ही क्लियर था। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। चीन में इतने कम इंटरनेट सेवी बिजनेस के साथ जैक मा ने इंस्पिरेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और सिलिकॉन वैली की ओर देखा, और कैलिफोर्निया की एक यात्रा के दौरान जैक को वह नाम मिला जिससे वो क्लोजली एसोसिएट होने वाले थे। 1999 तक जैक अपने अगले बड़े आइडिया को लॉन्च करने के लिए लगभग तैयार थे। वे एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर को शुरू करने वाले थे। उनके पास कॉन्सेप्ट और एक टीम थी, लेकिन जो उनके पास नहीं था वह था एक अच्छा नाम। फिर सैन फ्रांसिस्को की यात्रा पर जैक एक रेस्टोरेंट में थे जब अरेबियन नाइट्स फोक टेल्स दिमाग में आई। उन कहानियों में से एक थी अलीबाबा और 40 चोर की कहानी। खजाने से भरी सीक्रेट गुफा में प्रवेश करने के लिए मेन कैरेक्टर गुप्त पासवर्ड खुले तिल का उपयोग करता था। जब वेट्रेस जैक की टेबल पर आई तो उन्होंने उसे पूछा कि क्या वह अलीबाबा की कहानी को जानती है। उसने हाँ में जवाब दिया और बताया कि उसे गुप्त पासवर्ड भी याद है जो खुल जा सिमसन था। पूरे दिन जैक ने सबसे पूछा कि क्या वे अलीबाबा के बारे में जानते हैं, और आश्चर्यजनक रूप से हर किसी से उसको हाँ में जवाब मिला। जैक ने सोचा निश्चित रूप से यह एक संकेत है कि उन्हें सही नाम मिल गया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। alibaba.com पहले से ही कनाडा के एक पर्सन के पास था जो इसके लिए $4,000 मांग रहा था। उस समय ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन बहुत सिक्योर नहीं थी, और यदि वह चाहता तो आसानी से पैसा लेकर भाग सकता था। लेकिन जैक को यह महसूस हुआ कि वह कैनेडियन पर्सन ईमानदार है, इसलिए उन्होंने इस डील को फाइनल किया। शुक्र है जैक का अंदाजा सही साबित हुआ। यह डील सक्सेसफुल पूरी हुई और जल्द ही उनको डोमेन मिल गया। सब कुछ सही होने के साथ ही जैक मा ने फरवरी 1999 में अलीबाबा को लॉन्च किया और साबित किया कि शुरुआत से ही उनके पास क्लियर विजन था। अलीबाबा को एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर के रूप में माना गया था जो किसी भी सिलिकॉन वैली कंपनी को टक्कर दे सकती थी, लेकिन यह भी क्लियर था कि अलीबाबा स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाई गई एक सर्विस थी। अपने स्मॉल बिजनेसेस वाले कस्टमर्स को जैक मा श्रिम्प कहते थे, जो कि फॉरेस्ट गंप मूवी से इंस्पायर्ड एक टर्म थी। इस मूवी में मेन कैरेक्टर एक हम्बल श्रिम्प फिशिंग बिजनेस करके अमीर बन जाता है। अलीबाबा ने ईबे के कॉम्पिटिटिव चैलेंज को अपनी चाइनीज कल्चर की समझ से जीत लिया। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में अलीबाबा रिटेल मार्केट में अपनी जगह को सेफ करने के लिए एक फाइट कर रहा था, लेकिन उनके सबसे बड़े चैलेंजर्स में से एक थे ईबे। पर ईबे का सामना करने के बाद चीजें बदलने लगी थी। ईबे ने 2003 में चीनी मार्केट में तूफान की तरीके से एंट्री लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अलीबाबा की प्रेजेंस को अंडर एस्टिमेट किया था। ईबे की स्ट्रैटेजी एक मौजूदा चीनी कंपनी को खरीदना था जो उनकी जैसी सर्विसेज देती हो। वास्तव में कंपनी ने चीन के ऑनलाइन कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस का 90% कंट्रोल कर लिया था, और इस खरीद के बाद
कंपनी का नाम ईबे ईचनेट रख दिया गया। लेकिन जैक मा एक लड़ाई के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने हर लोकल और कल्चरल एडवांटेज का फायदा उठाया। सबसे पहले उन्होंने एक सब्सिडरी साइट ताओबाओ बनाई, जिसे मई 2003 में लॉन्च किया गया था। कंज्यूमर्स द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन हैंडलिंग पर अपना फोकस करने के साथ उन्होंने कंज्यूमर सोल्ड प्रोडक्ट्स के लिए उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट किया जिन्हें ईबे टारगेट कर रही थी। ताओबाओ के लॉन्च के पहले 4 महीने में जैक मा ने इस फैक्ट को छिपाकर रखा कि ताओबाओ अलीबाबा द्वारा ओन्ड कंपनी है, और उस समय एक नई सर्विस तेजी से ईबे ईचनेट से कस्टमर्स को गेन कर रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ताओबाओ के पास ऐसा जो ईबे के पास नहीं था, यह समझ कि चीनी मार्केट में क्या चलेगा। लाइवली ग्राफिक्स और क्लस्टर्ड डिस्प्ले के साथ इसने एक बिजी मार्केट का फील क्रिएट किया, जबकि दूसरी ओर ईबे की साइट वेस्टर्न यूजर्स के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नीट और क्लीन नेम थी। आखिरकार 2004 में ईबे ईचनेट एक अमेरिकी होस्ट के पास चली गई, जिससे उसकी चीनी मार्केट में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, क्योंकि चीनी सरकार ने अनडिजायरेबल कंटेंट को रोकने के लिए फायरवॉल्स लगा रखे थे। इसके कारण फॉरेन कंट्रीज से होस्टेड साइट्स अक्सर बहुत धीरे लोड होती थी। इस वजह से ईचनेट की सर्विसेज भी धीरे हो गई, इसलिए कंज्यूमर ताओबाओ द्वारा मिलने वाली फ्री फास्ट एंड फन सर्विस की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। और इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि ताओबाओ अलीबाबा के साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक था। इसने उन्हें चीन के ई कॉमर्स बिजनेस पर कंट्रोल करने का मौका दिया, और जैक मा ने आखिरकार एक ऐसा बिजनेस डेवलप किया जो सीरियस पैसा कमा रहा था। इन दिनों अलीबाबा 18 साल से अधिक पुरानी हो चुकी थी और यह आज भी एक रिटेल पावर हाउस है। लेकिन जैक मा एक लॉन्ग टर्म विजनरी है और वो अलीबाबा को 102 वर्ष तक सरवाइव करवाने का सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में इस किताब की फाइनल समरी में इस किताब का मेन मैसेज आपके सामने फिर से दोहराता हूं। एक्सपीरियंस की कमी और छोटी स्टार्टअप फंडिंग के बावजूद जैक मा ने ग्राउंड अप से अपने ई कॉमर्स एम्पायर का निर्माण किया। उस समय चीन में कुछ लोगों के पास एक ही ईमेल अकाउंट था, लेकिन जैक के पास कुछ और इम्पोर्टेंट था। वह एंटरप्रेन्योर स्पिरिट से भरे हुए थे और अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए जरूरी कड़ी मेहनत करने को तैयार थे। और अमेजिंग किताब है दोस्तों, अलीबाबा, स्क्रैच से अरबपति कैसे बना एक इंसान, इसकी कहानी को बताती है। हम सब वहां पहुंचना चाहते हैं दोस्तों, और ज्यादातर लोग हम में से साधारण हैं, साधारण जिंदगी जी रहे हैं, पर सपने बड़े हैं। जब हम इस तरीके की बायोग्राफीज पढ़ते हैं, किसी कंपनी की जर्नी को पढ़ते हैं, तो वो बहुत इंस्पिरेशन देती है। मन में आता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। पर रास्ता कठिन जरूर है दोस्तों, पर अगर आप पैशनेट हैं, आप हार्डवर्किंग हैं, फोकस्ड हैं, आपका विजन और मिशन क्लियर है। विजन का मतलब आप कहां जाना चाहते हैं, मिशन का मतलब आप जहां जाना चाहते हैं वहां आप क्यों जाना चाहते हैं। इस स्पिरिट के साथ आगे बढ़िए, एक अच्छा प्लान बनाइए, कैसे करेंगे इसको डिफाइन करिए, और आप देखिएगा कि सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। किताबी कीड़े की टीम की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।